हाँ जी गुड मॉर्निंग बच्चे, आज बेटा आपका थोड़ी ग्रामर का न्यू टॉपिक कर दिया चिट्ठी पत्र। बेटा पुराने समय के विच की हुंदा सी, जो आप किसी रिश्तेदार जां किसी दोस्त जां सहेलियों नूं अपना सुनेहा पहुँचाना हुंदा सी, चिट्ठियां राही पहुँचाते सी। क्यों? क्योंकि उदों इन्नी टैक्नोलॉजी नहीं सी कि आप फोन की वरतों कर सकीए। उदों लोग सी जिहड़े उह चिट्ठियां दी सहारा लैंदे सी। बेशक बेटा अजकल चिट्ठियां दी जगह फोन ने ले ली आ, बट कई बार आपां नूं सरकारी जिहड़े आपां काम करदे आ उहनां लई अज भी आपां नूं जिहड़ियां चिट्ठियां उह दफ्तरां दे विच आपणियां शिकायतां लोड़ां जां मंगां लई उह आपां दफ्तरां विच बेटा चिट्ठी राही आपणे जो भी आ उह पेश करदे आ। इहदे नाल बेटा जिहड़ियां चिट्ठियां ने इह तिन्न तरहां दीआं हुंदीआं ने। इक तां निजी पत्र हुंदे ने, एक दफ्तरी पत्र होंगे ने, एक व्यापारिक पत्र होंगे ने। जिहड़े बेटा निजी पत्र होंगे ने, इहदे विच जिहड़ी आपां अपने रिश्तेदारां नूं अपणियां सहेलियां नूं मित्रां नूं उहनां नूं लिखदे आ, उहनां नूं बेटा किहड़ियां चिट्ठियां कहिंदे ने? निजी चिट्ठियां। एक होंदियां ने दफ्तरी चिट्ठियां। दफ्तरी चिट्ठियां किहड़ियां होंदियां ने? जिवें मान लो तुसीं किसी स्कूल दे अध्यापक नूं चिट्ठी लिख रहे हो, जां तुसीं जिहड़ा कोई सरकारी दफ्तर के शख्सियत कोई विराजमान उन्होंने चिट्ठी लिख रहे हो, या फिर जिमें तुसी अखबार के संपादक को चिट्ठी लिख रहे हो, किसी भी कंपनी के मैनेजर को चिट्ठी लिख रहे हो, वह आ जाती है दफ्तरी चिट्ठिया। एक होंदिया ने बेटा व्यापारिक चिट्ठिया। व्यापारिक चिट्ठिया कहड़िया होंदिया ने? जिहड़े इंसान व्यापार लई व्यापार के संबंध में गलबात जिहड़ा अपनी चिट्ठी राही करते हैं उन्होंने व्यापारिक चिट्ठिया कहते हैं। जदों भी बेटा तुसी ग्रामर दी चिट्ठी पत्र लिखना, तां तुसी पेपर दे विच जदों इस नूं कर रहे हो तां इह सोचा करो वी जिहड़ा चिट्ठी पत्र आ तुहाडा उह इक पेज ते आवे। क्योंकि बेटा जे तुसी हाफ इक पेज ते लिखदे हो हाफ अगले पेज ते लिखदे हो तां इहदे नाल तुहाडे जिहड़े मार्क्स ने उह डिडक्ट हो जांदे ने। इस लई जदों भी तुसी चिट्ठी लिखनी आ अपनी पेपर दे विच तां उहनूं प्रॉपर इक पेज दे उत्ते लिखनी आ। तुहाडे बेटा सिलेबस दे विच टॉपिक आ चिट्ठियां दा। तुहाडे चाचा जी ने तुहानू जन्मदिन ते इक घड़ी भेजी आ, इक पत्र राही अपने चाचा जी दा इह तोहफा भेजण लई धन्नवाद करो। हाँ जी बेटा, इत्थे आपां नूं दित्ता होया कि तुहाडे चाचा जी ने तुहानू तोहफा भेजिआ, लेकिन इहदे विच इह नहीं दस्सिआ होया कि चाचा जी दा एड्रैस किहड़ा। तां आपां जदों लिखणा, फस्ट आपां अपनी नोटबुक के सज्जे हाथ इतों स्टार्ट करांगे लिखना, प्रीख्या भवन डैश डैश शहर डंडी। जे तां बेटा इतों उपर एड्रैस के दिता हो शहर यह आते शहर का नाम लिख दोगे, जे नहीं दिता हो आप डैश डैश शहर डंडी, फिर तुम की लिखोगे मिति, जिस तरीक में तुम अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हो अर्जी लिख रहे हो जा पत्र लिख रहे हो उस दिन की बेटा तुमने मिति वो लिखनी है। फिर अगे लिखोगे सतिकार जो चाचा जी, ये खब्बे हाथ लिखोगे। पिछले साल में मेरा बेटा पैटर्न है जो थोड़ा जहा चेंज हो गया, ये सारा कुछ अपना प्रीख्या भवन शहर मिति ये अपने सज्जे हाथ लिखना, तो सतिकार जो चाचा जी ये अपने खब्बे पासे लिखना। एक बेटा आप पिछले तुसी जो अर्जियां पत्र करते विषय लिखते होंगे, जेकर आपने किसी अपने सके संबंधी को चिट्ठी लिखनी है तो बेटा उस विषय लिखने की कोई जरूरत नहीं होंगी क्योंकि वो पूरी रीड करता। हाँ जेकर तुसी किसी दफ्तर को पत्र लिख रहे हो तो वो विषय लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को इन्ना टाइम नहीं होता कि तुहाडी पूरी चिट्ठी को जिहड़ा वो रीड कर सके। क्यों? क्योंकि वो तो बेटा फिर विषय को पता पढ़ के पता लग जाता भी वो चिट्ठी के कहना की चाहता। नैक्सट फिर तुम लिखोगे कि कल मेरा जन्मदिन सी, मेरे कई मित्र आए हुए सन, सानू सारे आप जी का इंतजार सी, पर आप जी के किसी कारण के बाद बेटा तुम लिखोगे ना पहुँच सके, आप जी द्वारा भेजा हुआ पार्सल मैनू मिलिया जो कि तुसी मेरे जन्मदिन पे भेजिया है। जो मैं पार्सल खोलिया तो मैनू दे
जरूरत सी। यह घड़ी मैनू समय सिर कम करन लई प्रेरित करेगी। मेरे दोस्तां ने इस घड़ी की बहुत प्रशंसा की। इस सुंदर घड़ी को भेजन लई आप जी दा अति धन्नवादी होवांगा। जेकर बेटा कोई गर्ल्स लिखणगी आप जी दी अति धन्नवादी होवांगी। चाची जी नूं नमस्ते अते छोटे भरा नूं प्यार। हाँ जी बेटा, जिवें तुसीं उपर लिखा सी प्रीख्या भवन उहदे नीचे सेम लिखोगे आप जी दा भतीजा। जेकर कोई बॉयज लिख रहे ने तां भतीजा, जेकर गर्ल्स लिख रही ने तां ओह भतीजी। इत्थे बेटा आपणा तुसीं नाम लिख लोगे। हाँ जी बेटा, जेकर इत्थे चिट्ठी दे विच उपर आउंदा कि तुहाडी भूआ जी वल्लों कोई तोहफा भेजिआ गिआ तां इत्थे वी तुसीं भतीजा भतीजी लिखोगे। जेकर तुहाडे नाना जी वल्लों जां नानी जी वल्लों भेजिआ गिआ तां इत्थे आउगा दोता दोती। जेकर तुहाडे दादा जां दादी वल्लों तां इत्थे पोता ते पोतरी लिख सकदे हो। ते बेटा इस